हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी बॉर्डर वाली साड़ी को ड्रॉप करेंगी, जिससे आपका लुक और भी ज़्यादा स्टाइलिश नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर वाली साड़ी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, बट इस तरह की साड़ियों की बॉर्डर हैवी होने के कारण ड्रॉप कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगी बॉर्डर वाली साड़ी को परफेक्टली करने का तरीका। सो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने पेटीकोट फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। मेरा जो फुटवेयर है वो हील वाला है, इसलिए मैं पहले ही वेयर कर ली हूँ। एंड यहाँ जो पेटीकोट मैंने वेयर किया है, ये शेप वेयर पेटीकोट है जो फिस्कट स्टाइल में आती है। इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है एंड इसमें जो डोरी है वो सामने की तरफ दी गई है। सो इन सभी की जो परचेज डिटेल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे। तो देखिए, जब भी आप अपनी साड़ी को खोलती है ना, उसका पल्लू वाला पोर्शन आपको पहले पकड़ना है। एंड देखिए, जो पल्लू वाला पोर्शन होता है इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए साड़ी को खोलते हुए हम साड़ी के आखिरी सिरे पे जाएंगे। अगर आप इस साड़ी को परचेज करना चाहती है तो परचेज डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यहाँ पर देखिए, साड़ी का ये आखिरी सिरा होता है ना, तो यहीं से हमें ड्रॉप करना शुरू करना होता है। तो आखिरी सिरे को राइट हैंड साइड की तरफ रखते हुए सामने के पार्ट को देखिए, मैं अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ। ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कमर में टकिंग करना है। तो पहले मैं राइट, फिर लेफ्ट एंड इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको मैं अच्छे से पेटीकोट में टक करती हूँ, ताकि फैब्रिक सामने की तरफ फंस के टमी फुली फुली ना दिखे। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे। एंड यहाँ राइट साइड में जब हम आते हैं तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देखिए फैब्रिक को सेट करना है। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है ना, वो नीट क्लीन टाइट फिटिंग हो जाती है। अब हम देखिए साड़ी के पल्लू वाले पोर्शन पे आएंगे। क्योंकि साड़ी का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो हम थोड़ा आसान तरीके से प्लीट्स बनाएंगे। पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, जब राइट की तरफ पल्लू आता है ना, तो उसका जो दूसरा कॉर्नर आपको दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड में इस तरह से पकड़ लेना है। अब पल्लू सामने की तरफ आ गया, आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से उठा रही हूँ, इसलिए राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग किया है ताकि प्लीट्स बनाने में आसानी हो। एंड यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में मैं हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़कर स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ ली हूँ, और जो सामने की टू फिंगर उसको कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर के अकॉर्डिंग देखिए प्लीट बना रही हूँ। बस ध्यान यही रखना है कि जो पहली प्लीट है ये हाफ इंच चौड़ी होनी चाहिए। देख रही है किस तरह से मैंने पहली प्लीट के अकॉर्डिंग उसके जो बाद वाली प्लीट है उसको हाफ इंच पतली कर ली है। तो बस बॉर्डर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर प्लीट ले रही हूँ, और अब आपको इसी को फॉलो करते प्लीट्स बनानी है। तो प्रोसेस जो है ना वो देखिए सेम ही है। सामने की टू फिंगर में फंसा है, बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ते हुए मैं वन बाय वन प्लीट बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जब आप प्लीट बनाते हुए आती है ना, तो शोल्डर की प्लीट्स में कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो प्लीट होता है ना, देखिए जो आखिरी प्लीट, इसका डायरेक्शन कभी भी आपका राइट की तरफ होना चाहिए। तो मेरा लेफ्ट की तरफ है, इसलिए मैं फोल्ड करके देखिए राइट की तरफ मूव करा रही हूँ। बट ये अच्छे से सेट नहीं हो रही, तो मैं इसके अंदर वाली प्लीट को खोलकर थोड़ी सी पतली करते हुए इन दोनों प्लीट को हल्के हल्के पतली करके फैब्रिक को मैनेज कर ली हूँ। तो प्लीट्स की जो डायरेक्शन होती है वो आपको मैनेज करनी होती है, चाहे अंदर की प्लीट आपकी थोड़ी चौड़ी पतली ही क्यों ना हो। अब देखिए, प्लीट्स बन जाने के बाद यहाँ पर हम सिक्योर करते हैं। सिक्योर करना ज़रूरी है क्योंकि ये बॉर्डर हैवी है, अगर छूट जाएगी तो दोबारा बनानी पड़ेगी प्लीट्स। तो सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करेंगे, क्लचर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेफ्टी पिन यहाँ पर नहीं लगेगी क्योंकि हमारी साड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अब देखिए, क्लचर हमने लगा लिया, प्लीट्स को वहाँ पकड़े हुए हैं। एंड थोड़ी सी दूरी पे हम साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पर आपको सेट करना है क्योंकि साड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो आपको ध्यान रखना है एक भी प्लीट सबके छूटे ना। अब यहाँ पर देखिए, इतना पोर्शन अरेंज हो जाने के बाद लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखना है आराम से, और देखिए लेफ्ट हैंड से प्लीट को पकड़े रहना है। फैब्रिक को आगे लाएंगे, थोड़ा सा झटकेंगे फैब्रिक को इस तरह से देखिए, और पहली प्लीट जो आपके अंदर से आ रही है ना, अंदर वाली प्लीट, उसको अच्छे से, और जो दूसरी प्लीट, क्योंकि वो बाकी प्लीट से मेरी थोड़ी सी पतली थी, तो मैं उनको अच्छे से पकड़ते हुए वन बाय वन एक एक प्लीट को अरेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपको प्लीट्स को अरेंज करना है। ऐसा नहीं कि एक बार में आप अरेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि आपकी हो सकता है कोई प्लीट्स छूट जाए। अब देखिए, इस तरह से मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा पार्ट आज सेट कर रही हूँ। जब भी आपकी साड़ी हैवी हो ना, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह से फैब्रिक को लेते हुए प्लीट्स को सेट करना है। एक ही बार में आप पूरी एक शोल्डर की प्लीट्स नहीं बनाएंगी। सो इस तरह से प्लीट्स बनाने से ना, हमारी एक ही बार में शोल्डर की जो प्लीट है परफेक्टली बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी ना, मैं घुटने से नीचे रखती हूँ, तो उतनी पल्लू बन चुकी है। बट सामने की तरफ भी आपको थोड़ी सी दूरी तक सेट करना होता है,
नहीं तो सामने वाला पार्ट जब आप सेट करेंगे सेफ्टी पिन लगाने के बाद तो वो अच्छे से सेट नहीं होगी, इसलिए हम सामने की तरफ भी थोड़ी सी दूरी तक सेट कर लेते हैं। एंड इसके बाद देखिए, अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप सेफ्टी पिन लगाएंगे देखेंगे कि आपके ब्लाउज की शोल्डर की स्टिचिंग कहाँ है, उससे 1 या 2 इंच बैक में जाकर पल्लू की प्लेट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन आपको लेनी है ब्लाउज के अंदर से लगाना है, उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूर पर अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने से ना पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरता है और अच्छे से शोल्डर पर सेट रहता है। अब हम सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर देखिए, हैवी बॉर्डर की साड़ियों की जो आपकी प्लीट होती है ना सामने की तरफ चेस्ट पे, इसी को आपको सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए, बॉर्डर भी हमारा अच्छे से दिखाई दे और नेक के ऊपर भी ना चढ़े, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये नेक के ऊपर चढ़ेगी। इसके लिए देखिए, मैं शोल्डर के पास सामने की तरफ देख रही है, लेफ्ट साइड की तरफ मैं इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारा जो बॉर्डर है ना पल्लू का वो अच्छे से सेट हो जाए और यहाँ पर हमारे नेक के ऊपर भी ना चढ़ेगी। तो बस प्लीट बना लेनी है एंड छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के साथ अंदर से सिक्योर कर लेना है। ये सेफ्टी पिन आपकी नज़र भी नहीं आएगी और जो पल्लू का बॉर्डर है ना ये भी बहुत ही अच्छे से देखिए चेस्ट पर सेट रहेगा, नेक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। इससे आपका बॉर्डर भी देखिए काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होगा। अब जो शोल्डर की प्लीटें आ रही है ना, इन्हें 1 बाय 1 ठीक कर लेना है क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है, फिर बाद में वो बैक साइड में जाकर एक्स्ट्रा होके फूली हो जाती है या फिर लूज़ हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो मेरा बॉर्डर है वो नेवल के ठीक सामने तक आया हुआ, अगर आपका सामने तक नहीं आता है तो आप बैक साइड में कर लीजिएगा, बट पल्लू आपको छोटा नहीं रखना है। अब जो पल्लू की प्लीट है मैं इन्हें भी 1 बाय 1 ठीक कर ले रही हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, हिप वाले पोर्शन पर फैब्रिक को सेट करते हुए राइट तक लेकर जाएंगे एंड इतना फैब्रिक आपको मेजर करके छोड़ देना है। इसकी हम प्लीट्स नहीं बनाएंगे एंड इसके बाद जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। सो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से प्लीट उठाऊंगी। तो देखिए, जितना फैब्रिक मेजर किया था ना उसको छोड़ने के बाद स्मॉल फिंगर और थम से फैब्रिक को पकड़ लेना है एंड जो सामने की 2 फिंगर है उसको कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। अगर आपकी साड़ी का बॉर्डर हैवी है तो आपको बहुत चौड़ी चौड़ी प्लीट नहीं बनानी है क्योंकि हैवी बॉर्डर के कारण जो प्लीट है वो नीचे तक खुद ब खुद सेट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ना होता है। देखिए, 4 अंगुल नेवल से आगे जाके हम प्लीट्स बनाते हैं तो ये वाला फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पर। अब देखिए, जितनी भी प्लीटें बन गई हैं ना इनको हमें थोड़ा सा सेट करना है। तो ये जो प्लीटें होती है ना इनको आपको ऊपर से अरेंज करना होता है बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए, साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए। इस तरह से अरेंज करने से सभी प्लेट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से अनइवन फॉर साइड भी नहीं नज़र आती। अब सभी प्लेट को टमी के सामने रखते हुए पकड़ लिया है, केवल पहली प्लेट को खोलेंगे और जो राइट साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको लेते हुए पहली प्लेट को चौड़ी करेंगे। तो कभी भी पहली प्लेट चाहे वो शोल्डर की हो या फिर कमर की, आपको चौड़ी रखनी है तभी वो अच्छे से सेट रहती है। एंड देखिए, अंदर से एक एक प्लेट को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते हुए झटक देंगे। अब यहाँ पर मेरी जो साड़ी है ना इनकी प्लीटें अभी सेट नहीं हो रही थी अच्छे से, तो पहले मैं इन्हें ऊपर की तरफ अरेंज करके सिक्योर करूँगी। तो थोड़ी सी दूरी पे देखिए मैंने अरेंज कर लिया है एंड यहाँ पर सिक्योर करने के लिए मैं साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये साड़ी पिन हमारी साड़ी को ख़राब भी नहीं करती है और अच्छे से सिक्योर भी रखती है। तो इनकी जो परचेज डिटेल है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब थोड़ी सी दूरी पे साइड से देखिए मैं 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ जो हमारी फॉर साइड में जहाँ बॉर्डर लगी हुई ना, अच्छे से एक एक प्लीट को अरेंज करते हुए हैंड से आपको दबाते हुए प्रेस कर लेना है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना ये थोड़ा सिल्क टाइप का है, इसलिए इसकी जो प्लीट है वो अपने आप सेट नहीं हुई तो थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ा। अब हम नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। नेवल के ठीक सामने रखते हुए ही इन प्लीट को हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। टक करते वक्त सामने की प्लीट को तब तक नहीं छोड़ना जब तक फैब्रिक अंदर तक ना चली जाए। एंड यहाँ पर देखिए, ये हमारी जो प्लीट है वो अच्छे से टक हो गई है। अब राइट साइड की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक खोलेंगे, जहाँ खुला रहता है ना वहीं पर आपको इतना खोलना है कि आपका राइट वाला हैंड इजीली से उसमें जा सके। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको देखिए आपको राइट की तरफ लेकर खींचना है। राइट वाला देखिए हैंड में पकड़ कर मैं खींच ली हूँ। अब जब आप इसको खींचेंगे तो आप देखेंगे आपका हिप वाला पोर्शन फ्रीटेड हो रहा है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर बिल्कुल जहाँ मेरी प्लीट टक हुई है ना वहाँ तक आ गई है। तो अगर आपका बॉर्डर नहीं आ पाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बॉर्डर को बैक साइड में ही रख लेना है, नहीं तो पल्लू आपका जो है ना वो छोटा हो सकता है।
अब देखिए जब आप खींच रही हैं राइट की तरफ फैब्रिक को ना, तो सामने की प्लीट को दबाए रखिएगा ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आए इसे ट्विस्ट करके कमर में टकिंग करेंगे। जो ऊपर की लेयर ओपन कर रखी है इसको भी आपको कमर में टकिंग करना है। टक करते वक्त सामने की प्लीट को मैं दबाए हुए हूँ ताकि वो इधर उधर ना हो। इसके बाद जो राइट साइड का पार्ट है ना, ये आपका पल्लू से इस तरह से कवर हो जाता है। पल्लू की प्लीट्स को एक बार फिर से अच्छे से ठीक कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक एक प्लीट को आपको अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद से जो एक्स्ट्रा की हमने क्लचर लगा रखी है ना, उसे हम रिमूव करेंगे, जिसके बाद से हमारा जो फाइनल लुक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो मैंने क्लचर लगाई इसे मैं निकाल रही हूँ, एंड इसके बाद से जो मेरा लुक है ना वो फाइनल आप यहाँ पर देख पाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो सभी की परचेज डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।